संभल से खबर है, मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 40,000 रुपए मोबाइल बरामद हुआ है। लोगों की डिमांड पर महिलाओं को बेचते थे ये आरोपी, लालच देकर गरीब घर की महिलाओं को फंसाते थे ये आरोपी, जो आज पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों के पास से 40,000 रुपए मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने लोगों की डिमांड जैसी होती थी, महिलाओं को बेचा जाता था और ये आरोपी काम करते थे, लालच देकर गरीब घर की महिलाओं को, बच्चों को फंसाते थे। संभल से खबर, मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है और एक बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तरीके से लगातार ये गिरोह के रूप में लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा था। अब इसमें बागपत, हरियाणा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल, तमाम जगहों पे ये लोग लड़कियों को बेचते थे। अभी ये पूरा गैंग पकड़ा गया है और इनके पास से ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स भी बरामद हुए हैं, जिसमें लड़कियों का सौदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके गिरफ्तारी सुनिश्चित करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभिनव माथुर जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अभिनव, मानव तस्करी को लेकर लगातार मिलती शिकायतों के बाद ये बड़ी कार्रवाई कहा जाए, और इन तस्करों से क्या कुछ बरामद हुआ, क्या कुछ जानकारी निकल पाई है, कहां तक इनका नेक्सस जाल फैला हुआ है? पंकज देंगे, बिल्कुल। अगर बात की जाए तो संभल पुलिस ने एक ये बड़ा और बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले 3 लोगों को इस गैंग के जो गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और 2 लोग शामिल हैं। इसमें एक युवक जो कि मेरठ का रहने वाला शामिल है और 2 मुरादाबाद जिले के रहने वाले शामिल है। पुलिस ने इनसे जो पूछताछ की है, पूछताछ के बाद इनसे जो है जो कि 40,000 रुपए की नकदी है वो बरामद की है, जो कि एक महिला को बेचने के बाद इनको पैसे मिले थे। 2 मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद किए गए। लेकिन पूछताछ में जो इनसे बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वो बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, जो की SP यमुना प्रसाद ने किया है। बहजोई थाना पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। जो इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इस महिला को हिरासत में लेने के बाद खुलासे किए हैं। अगर बात की जाए, जो इनसे पूछताछ के बाद पता चला है, वो जानकारी ये मिली है कि ये पहले जिस तरीके से जो खरीदने वाले लोग होते थे, उनसे पहले डिमांड के अनुसार पहले जो है महिलाओं को जो है फंसाते थे अपने चंगुल में, और चंगुल में फंसाने के बाद उस महिला को जो है कुछ पैसों का जो है झांसा दिया जाता था या शादी का झांसा दिया जाता था, और उसके बाद उसको जो खरीदने वाला पक्ष होता था, जो युवक पक्ष होता था, उसके पास ले जाया जाता था। और बाद में जब मंगनी हो जाती थी, तो मंगनी होने के बाद उस महिला को या तो वापस लौटा दिया जाता था, या फिर शादी होने के बाद वापस महिला को जो है ये उस युवक पक्ष को डर दिखाया जाता था कि आप जो है महिला को परेशान कर रहे हैं, और ये डर दिखाकर। अभिनव, क्या ये संभल तक ही सीमित था इस गिरोह का ये कारनामा, या उसके बाहर भी, उसके आसपास के जिलों में भी? पंकज देखिए, अभी जो 3 लोग गिरफ्तार हुए, उनसे जो पूछताछ हुई, उसमें पूछताछ के बाद ये पता चला कि ये गैंग केवल संभल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मुरादाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और हरियाणा में भी इनका ये गैंग जो पूरी तरह से जो सक्रिय था, और वहां की लेडीज को ले जाकर के यहाँ बेचा जाता था, और यहाँ की महिलाओं को ले जाकर के वहां बेचा जाता था। तो ये गैंग केवल संभल या आसपास के जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि अंतर्राज्यीय गैंग ये बन चुका था, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में भी लगातार ये गैंग सक्रिय था। लेकिन अब ऐसे में एक चुनौती यही है पुलिस के सामने कि आखिर क्या इस नेटवर्क इनसे जुड़े हुए लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी शिकंजे में लिया जाए, उस नेक्सस को तोड़ा जाए जिस नेक्सस की वजह से ये धंधा फल फूल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका इस जानकारी के लिए।